हम लोग शुरू करते हैं। देखिए क्रम से कुछ मुद्दे थे, जैसे एक अभी एक रिपोर्ट आई जिसमें जो बड़े राज्य हैं उनमें बेरोजगारी की दर ज्यादा रही, और उनमें भी खासकर बात यह है कि जैसे केरल जैसा जो एक सोशलिस्टिक मॉडल पर काम करने वाला स्टेट है उसमें बेरोजगारी की दर सबसे ज्यादा रही। तो अभी तक ये माना जाता था कि जो जैसे इसमें दिखाया गया सबसे पहला कि बड़े राज्यों में अधिक रही, दूसरा दिखाया गया कि इन राज्यों में ग्रामीण बेरोजगारी अपेक्षाकृत अधिक रही, तीसरा दिखाया गया है केरल जैसे समाजवादी या आप साम्यवादी कह सकते हैं मॉडल पर काम करने वाले राज्य में बेरोजगारी दर सर्वाधिक रही। अभी तीन पॉइंट हैं, अगर ये एक तो ऑप्शन सीधे देता है वो, दूसरा आपसे कारण पूछ दे कि भाई बड़े राज्यों में बेरोजगारी की दर का क्या मतलब है, यहां क्यों है। नंबर दो, यहां पर ग्रामीण बेरोजगारी दर का अधिक बढ़ना ये क्यों है। तीसरा, ये जो सोशलिस्टिक मॉडल है आप सब जानते होंगे, इस अर्थव्यवस्था का मूल उद्देश्य ही होता है नंबर एक कल्याणकारी अर्थव्यवस्था, और नंबर दो रोजगार परक उद्यम। ठीक है, क्योंकि अगर आप पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को लें तो पूंजीवाद में तो वो बाजार के लिए और मैक्सिमम लाभ के लिए, उसमें दो चीजें निहित होती हैं, एक हम बाजार के लिए उत्पादन करते हैं और दूसरा कैसे करते हैं अधिकतम लाभ के लिए जिसमें अधिकतम लाभ हो, पर ये तो कल्याण के लिए करता है और ऐसे करता है कि जिसमें अधिकतम रोजगार सृजित हो। फिर कारण क्या रहा, क्यों ऐसा रहा, पढ़ा आप लोगों ने, ये बना लीजिए और इसके नीचे पॉइंट मैं बोले दे रहा हूं लिखिए, लिखिए इसके नीचे, बड़े राज्यों में बेरोजगारी की दर इसलिए अधिक रही है
क्योंकि इन राज्यों में पूंजी निर्माण दर के अनुपात में मानव संसाधन या मानव पूंजी का निर्माण अधिक हुआ है। ठीक, नंबर दो, जिन राज्यों में शिक्षा का स्तर ऊंचा है वहां पर रोजगार शैक्षिक योग्यता के अनुकूल प्राप्त नहीं हो पा रहा है। इसलिए युवा या तो रोजगार में शामिल नहीं होता है या मध्यावधि में ही छोड़ देता है। अब देखिए, इसका जो कारण बताया गया है इसमें दो आ जाएंगे पक्ष। पहला क्या है कि जो हमारा ट्रिकल डाउन है अनुसार व्यवस्था सर्वश्रेष्ठ परिणाम नहीं दे सकी। इसका रिजल्ट क्या हुआ? फलतः समावेशी विकास नहीं हुआ। तो जाहिर सी बात है, अगर समावेशी विकास नहीं होगा तो शहरी रोजगार अपेक्षाकृत ग्रामीण रोजगार के ज्यादा पैदा होगा। एक और इसमें कारण बताया है कि अर्थव्यवस्था जो है का प्रवाह एकल मार्गी रहा। मतलब अर्थात ग्रामीण से शहर की ओर रहा। और शहर से ग्रामीण की ओर ये बाधित हुआ। तो जाहिर सी बात है, एक अधिशेष मात्रा जो है वो ग्राम की नगर की ओर चली जाएगी, तो अतिरेक धन जो है वो ग्रामीण क्षेत्र में नहीं बचेगा। और जब ये नहीं बचेगा तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? इसका परिणाम आएगा कि ग्रामीण रोजगार का सृजन अपेक्षाकृत कम होगा। और एक पॉइंट और इसमें बताया गया है, थर्ड पॉइंट लास्ट, कि भारतीय अर्थव्यवस्था ये अनौपचारिक से औपचारिक की ओर बढ़ रही है।
अनौपचारिक से औपचारिक की ओर बढ़ रही है। इसके फलस्वरूप ग्रामीण अर्थव्यवस्था जहां अनौपचारिक और असंगठित क्षेत्र अधिक है, वह संक्रमण में है। संक्रमण का मतलब होता है कि अभी वो ना तो औपचारिक में बदल पाया और ना वो अनौपचारिक रह जा रहा है, क्योंकि अनौपचारिक वो रह नहीं सकता है, जीएसटी आने के बाद उसको औपचारिक में आना पड़ेगा। तो उससे क्या हुआ कि छोटे छोटे जो उद्यम थे वो बहुत सारे बंद होने लगे। जैसे आप सोचिए कि कहीं छोटे छोटे शॉप्स खुली थी, अब वहां पर कोई आसपास ही छोटे कस्बों में एक मॉल टाइप का खुल गया, तो जितने छोटी दुकानें थी वो बंद हो गई। अब बंद हो गई तो उनके ऊपर जो निर्भरता थी प्रति व्यक्ति 5 मेंबर्स की, वो तो सब रोजगार से या आत्मनिर्भरता से बाहर हो गए, और उन मॉल्स में कितने को मिलेगी, 1 पर्सन को मिलेगी। तो ऐसी स्थिति में आप देखिए कि अगर जब तक ये संक्रमण काल चलता रहेगा, या तो पूरी रूरल इकोनॉमी ट्रांसफॉर्म होके औपचारिक इकोनॉमी में बदल जाए, तो जब तक ये औपचारिक अर्थव्यवस्था में नहीं बदलती है तब तक ये इसी प्रकार से वहां पर घटता रहेगा। और सबसे बड़ी बात आई है कि महिलाओं का जो एम्प्लॉयमेंट है वो सबसे कम हुआ है, यानी उनकी बेरोजगारी की दर जो है वो सबसे ज्यादा बढ़ी है। ऐसा क्यों है? काम ही नहीं करना चाहती थी कि शशि कि अब तो नहीं करना पड़ रहा है तो आराम करें, या ये आदिकाल से यानी इतिहास के समय से रिपोर्ट आती है कि महिलाएं हमेशा कार्य करना चाहती हैं, लेकिन जब दो ऑप्शन होते हैं तो महिला फिर छोड़ देती है, वो कहती है कि नहीं ये पुरुष ही करे, ठीक है ना, हम घर का दायित्व तो निभाते हैं। तो जैसे जैसे नौकरियों का स्पेस कम हुआ या रोजगार का ग्रामीण परिवेश में स्पेस कम हुआ और दो में से किसी एक को ही विकल्प चुनने की स्थिति आई, तो फिर वो पुरुष को उसने उसकी तरफ ट्रांसफर कर दी या उसको दे दी, तो ये रिपोर्ट कहती है। तो इस प्रकार से महिलाओं का और ग्राफ नीचे गिर गया। अब रही बात इस समाजवादी मॉडल में सबसे बड़ी कमी क्यों आई, बड़ा देखिए, समाजवादी जो मॉडल होता है इसमें एक अच्छाई होती है, यानी पॉजिटिव पक्ष समाजवादी मॉडल का क्या होता है कि भाई वो जॉब ओरिएंटेड प्रोडक्शन करता है, ठीक, ये पॉजिटिव है, उत्पादन में तकनीक की अपेक्षा रोजगार या मानव श्रम पर बल देता है। लेकिन इसका नेगेटिव पक्ष क्या है? नेगेटिव पक्ष यह है कि यह न्यूनतम योग्यता निर्धारित करता है। अब आप पता लगा एमटेक किए हैं और जॉब निकल रही है फोर्थ क्लास की या सी ग्रेड की, अब उसकी न्यूनतम योग्यता हाई स्कूल या इंटरमीडिएट है, आप किए हैं एमटेक, तो जाहिर सी बात वो हाई स्कूल वाला तो कर लेगा क्योंकि वो उसकी क्वालिफिकेशन के अनुकूल है, लेकिन जब एमटेक वाला बैठा होगा
और केरला में अगर आप ध्यान दें तो वहां पर टेक्नोलॉजिकल एजुकेशन, प्रोफेशनल एजुकेशन, नर्सिंग या ये सब ज्यादा है, तो इस कारण से वहां पर जो है हायर क्वालिफिकेशन वाला या तो वो माइग्रेट कर रहा है, वहां के वो जॉब में शामिल नहीं हो रहा है। तो इस रिपोर्ट में वहां पर यही कारण बताया। तो उन्होंने बताया जितने भी राज्य हैं बड़े और जिनमें शहरी आबादी ज्यादा है, तो शहरी आबादी का रोजगार में ना जाने का दो कारण बताया है। एक कारण कि प्राइवेट सेक्टर में रोजगारों का कम उत्पादित होना और सरकारी सेक्टर में जो नौकरियां निकल रही हैं वो उनकी योग्यता के अनुसार नहीं है, इसलिए वो अंतिम तौर पर भले करें जा करके, अभी वो उस स्थिति में नहीं पहुंच रहे हैं कि वो रोजगार करें। तो इसमें दो तीन राज्य क्रम में लिख लीजिए कौन कौन से हैं, कभी बाई चांस क्रम पूछ रहे हैं। तो केरल जो है ये नंबर एक पे है बेरोजगारी दर में, जहां पर 11.4% बेरोजगारी दर है। हरियाणा सेकेंड नंबर पे है जहां बेरोजगारी की दर 8.6% है। असम थर्ड नंबर पे है जहां बेरोजगारी की दर 8.1% है और पंजाब फोर्थ नंबर पे है जहां बेरोजगारी की दर 7.8% है। तो चार ही ऊपर के रखिए, बाकी तो और भी हैं, इनकी जरूरत है नहीं। सबसे कम बेरोजगारी की दर ध्यान रख लीजिएगा छत्तीसगढ़ में रही है 3.3%। तो इतना ही इस रिपोर्ट में मुख्य था। ग्रामीण इसमें आ रहा था तो दूसरा भी इसी से जुड़ा कर लेते हैं, एक एग्रीकल्चर से जुड़ा, एमएसपी एंड अदर। दो रिपोर्ट हैं, एक तो एनएसएसओ की रिपोर्ट है, दोनों का मिक्सित है, और दूसरी रिपोर्ट जो है ये अजीम प्रेम जी फाउंडेशन की है, ये सेंटर फॉर सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट। अजीम प्रेम जी यूनिवर्सिटी, सॉरी, सेंटर फॉर सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट। अच्छा, एग्रीकल्चर में तो तीन पॉइंट आपने पढ़े होंगे और मुझे लगता है क्वेश्चन उनसे बनने चाहिए, क्योंकि इस समय तो इसके तीन पार्ट आपको पढ़ने हैं। एक पार्ट ये पढ़ना है कि एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट के लिए जो भी चीजें आ रही हैं, एमएसपी आ रही है या किसानों की आय दुगना करना आ रही, इसके अतिरिक्त भी क्या कुछ है जो आप नहीं पढ़ रहे हो। दूसरा, अभी देखिए वित्त आयोग के अध्यक्ष ने क्या कहा कि ये जो प्रधानमंत्री किसान योजना या जो अन्य योजनाएं हैं, प्लस जो न्याय योजना आ रही है, राहुल गांधी ला रहे हैं, उन्होंने कहा कि इसको राज्यों पर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि लगातार अगर केंद्र इन योजनाओं पर व्यय कर रहा है तो इसका मतलब है कि वो परिसंघीय ढांचे को नुकसान पहुंचा रहा है। तो इसमें एक अब परिसंघीय भी जुड़ जाएगा, और किस प्रकार से परिसंघीय ढांचा नुकसान पहुंचता है, एक बात। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि ये योजनाएं अगर आप एकीकृत ढंग से लागू करते हैं इसलिए ये अपना परिणाम आपको नहीं दे पाती। तो कारण क्या है, क्या ऐसी योजनाएं अब तक आई हैं, कौन से पॉइंट्स हैं, और उनको समझना है किस तरह से ये परिसंघीय ढांचे को ये नुकसान पहुंचा रहा है। ठीक, तो पहले तो दो तीन पॉइंट आप लिख लो, फिर जो इसमें समझ में ना आए वो मैं बताऊं,
और परिसंघीय फिर मैं समझाता हूं। लिखिए, पहला भारतीय कृषि, हेडिंग डाल लो, नीचे लिखिए किस प्रकार से कृषि समस्याओं को दूर किया जाए। देखिए इसको ऐसे देखिए, पहली बात तो कृषि समस्या है क्या, या कृषि क्षेत्र में समस्या क्या है। आपने दो तो पढ़ी हैं, पहली कृषकों पर कर्ज, दूसरी कृषकों की न्यूनतम आय तीसरी एक और इसमें जोड़ दो अगर कृषकों को उनकी कृषि लागत का उचित मूल्य ना मिलना, ये तीन बेसिकली अब तक आती हैं। लेकिन एक चौथी समस्या भी है, कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर, का अविकास, ये समस्या है, विकास इसका समाधान होगा। अविकास, अभी तक जो प्रयास किए जा रहे हैं वो किस पर हैं, इस पर है, इस पर है, इस पर है, लेकिन क्या इस पर है तो कैसे समस्या दूर हो और इसके लिए प्रयास क्या किया जाए। तो पहला तो आप लिखिए कि इन उपर्युक्त दिशा में, उपर्युक्त दिशाओं में भारत सरकार की एक 6 सूत्री योजना है, नंबर 1 इनपुट डिलीवरी सिस्टम को मजबूत करना, इनपुट डिलीवरी सिस्टम को मजबूत करना, नंबर 2 सिंचाई क्षेत्र में अधिसंरचनात्मक और तकनीकी विस्तार करना, सिंचाई क्षेत्र में अधिसंरचनात्मक और तकनीकी विस्तार करना, नंबर 3 उत्पादन व्यवस्था में विभिन्न प्रकार की प्रौद्योगिकियों, विभिन्न प्रकार की प्रौद्योगिकियों का इस्तेमाल करना, जैसे जैव प्रौद्योगिकी, उपग्रह प्रौद्योगिकी, परमाणु कृषि प्रौद्योगिकी और खाद्य प्रसंस्करण के लिए, खाद्य प्रसंस्करण के लिए नैनो प्रौद्योगिकी,
खाद्य प्रसंस्करण के लिए नैनो प्रौद्योगिकी। नेक्स्ट पॉइंट, ग्रामीण अवसंरचना में निवेश, ग्रामीण अवसंरचना में निवेश। नेक्स्ट, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का अधिकतम प्रयोग और लास्ट है किसानों की क्षमता का निर्माण। अब देखिए ये सारे जो पॉइंट्स हैं इसमें जैसे पहला ही अगर आप ले लें, जैसे कहा जाता है एमएसपी, देखिए एमएसपी चाहे तो +50% इनपुट कॉस्ट का मिल जाए, अगर लागत कीमत का 50% बढ़ाकर की भी दे रहे हैं, उस स्थिति में अगर ये आदर्श स्थिति बना ली गई, क्योंकि दो चीजें होती हैं ना, एक आदर्श स्थिति, जैसे अभी देखिए आप खरीद केंद्र पर जाइए 25 क्विंटल से कम का आपका नहीं खरीदा जा रहा है, तो जो किसान 4 क्विंटल 5 क्विंटल 6 क्विंटल बेचना चाह रहा है वो कहां बेचेगा? तो एमएसपी आपने अगर दे भी दी तो इस स्थिति में भाई दो ही चीजें तो हैं, एक सरकारी खरीद केंद्र है यहां आपको मिल जाएगा, लेकिन जो मुक्त बाजार में बेचता है उस मुक्त बाजार में यहां पर तो यह संभव नहीं है, और यहां पर कौन बेचेगा जाके? छोटा या मझोला या सीमांत किसान। तो अगर ये चीज चलती रहेगी तो आप देखिए फिर ग्रामीण परिवेश में क्या होगा, सामाजिक आर्थिक विषमता होगी। और मूल चीज है इसी को दूर करना। दूसरी चीज, अगर ये आप सीधे लागत बढ़ा भी दी जाती है तो इसके तीन प्रभाव आ सकते हैं जो कृषि निवेश है। इसमें वृद्धि हो जाएगी, दो कृषक का सामाजिक आर्थिक जीवन स्तर ऊपर उठेगा या उठ सकता है, लेकिन इससे कृषि अधिसंरचना में निवेश नहीं होगा। और जब तक ये नहीं बढ़ेगा तब तक स्थायी विकास का कोई रोडमैप नहीं बढ़ सकता, और इसी के बढ़ने पर ग्रामीण रोजगार के बढ़ने की संभावनाएं भी आ सकती हैं, अदरवाइज ये नहीं बढ़ेगा तो पॉसिबल नहीं। अगली चीज आइए, तो इसका विकल्प क्या है भाई? अगर इससे ये नहीं बढ़ पा रहा है, केवल ये बढ़ जा सकता है, ये बढ़ जा सकता है, तो मैंने बताया इसमें भी किसको, जो बड़े किसान हैं उनको ज्यादा फायदा होगा।
फिर समग्र ग्रामीण विकास कैसे संभव है? तो नीचे लिखिए, आवश्यकता है नंबर एक, एमएसपी सिस्टम को मजबूत बनाकर इसके दायरे में वृद्धि की जाए। नंबर दो, कृषि उपज विपणन समितियों, कृषि उपज विपणन समितियों मार्केटिंग कमेटीज के तंत्र को उदार बनाया जाए। तीन, किसानों के उत्पादों को बाजारों तक पहुंचाने के लिए सप्लाई चेन का निर्माण किया जाए। किसानों के उत्पादों को बाजार तक पहुंचाने के लिए सप्लाई चेन का निर्माण किया जाए। नेक्स्ट, जमीनों से जुड़े और चकबंदी कानूनों या कंसोलिडेशन रूल, चकबंदी कानूनों को सरल बनाया जाए। नेक्स्ट, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को बढ़ावा दिया जाए। नेक्स्ट, कृषि निर्यात बढ़ाने के लिए अनुकूल वातावरण निर्मित किया जाए। नेक्स्ट, फूड प्रोसेसिंग की सुविधाओं का विकास किया जाए। और लास्ट है, उपभोक्ता तथा बाजार के बीच बेहतर संबंधों का विकास किया जाए। अगली एक हेडिंग डालिए, क्या ऐसी योजनाओं के लिए केंद्र की बजाय राज्य सरकारों को इनिशिएटिव लेना चाहिए या पहल करनी चाहिए? ठीक, कारण नीचे लिखिए। कारण, पहला पॉइंट, 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष वाईवी रेड्डी ने दो बिंदुओं को प्रमुखता से रखा है।
नंबर एक, राजकोषीय समेकन, राजकोषीय समेकन पर राज्यों को और अधिक कदम उठाने चाहिए। नंबर दो, प्रधानमंत्री किसान योजना और न्याय जैसी योजनाओं को राज्यों पर छोड़ देना चाहिए। क्योंकि इससे परिसंघीय ढांचे को नुकसान पहुंच रहा है। ऐसा उन्होंने क्यों कहा? क्या आपको लगता है कि केंद्र सरकार इस तरह की योजनाएं चला रही है, इससे परिसंघीय ढांचा जो है वो उसको नुकसान पहुंच रहा है? और दो, कि राज्यों पर यह छोड़ना राजकोषीय समेकन के लिए ज्यादा बेहतर है? कोई बताएगा? पढ़ा कि नहीं पढ़ा इसको? उनका बयान पढ़ा नहीं पढ़ा था? कोई बात नहीं। देखिए, राजकोषीय समेकन का तात्पर्य क्या है? संघीय या केंद्रीय और राज्यों की राजकोषीय नीति में एकरूपता एवं संतुलन। साझेदारी कीजिए। आप लगातार अगर केंद्रीय बजट से इस तरह की योजनाएं चलाते जाएंगे तो केंद्रीय राजकोषीय घाटा बढ़ता जाएगा। ठीक, तो इससे उन्होंने कहा, पहला ये जो स्थितियां बनेंगी, इसका पहला परिणाम क्या होगा कि केंद्रीय, मतलब ये जो दोनों योजनाएं हैं, समझने के लिए चाहे हेडिंग डाल लेना यहां, कि जो दोनों योजनाएं हैं या इस तरह की और भी जो योजनाएं हैं, उनका पहला परिणाम क्या होगा? केंद्रीय राजकोषीय घाटा बढ़ेगा। नंबर दो, राज्यों को अपनी राजकोषीय दक्षता को सिद्ध करने या साबित करने का अवसर प्राप्त नहीं हो पाएगा। क्योंकि जब आप उन पर कोई रिस्पांसिबिलिटी ही नहीं डालेंगे तो उनका उद्देश्य क्या होगा? भाई केंद्र सरकार जो भी योजना बनाए लाए और हमको पैसा ट्रांसफर कर दे।
तो एक तो ये कि इससे इनकी राजकोषीय दक्षता जो है इस पर आप क्वेश्चन मार्क लगा रहे हो कि जो राज्यों की सरकारें हैं वो राजकोषीय अनुशासन नहीं बनाए रख सकती, आप इसीलिए तो नहीं दे रहे हो। तो ये तो तभी है हम आपको बैठने न दें यूपीएससी में और कहें आप देने के योग्य ही नहीं, तो ये कौन सी बात हुई, अवसर तो दीजिए उसको। तो एक इन लोगों ने यानी जो वाई वी रेड्डी ने कहा, एक तो ये होगा कि ये अपना घाटा बढ़ाता चला जाएगा, जैसा कि आप देखिए इस बजट में घाटा बढ़ा हुआ दिखाया है जबकि उसको कम करना था, और दूसरा यह है कि राज्यों को अपना राजकोषीय दक्षता सिद्ध करने का अवसर नहीं मिल पा रहा। अब यहां पर राजकोषीय दक्षता के दो पार्ट होते हैं, यहां ध्यान दे लीजिएगा कि जो राज्य हैं ये वित्तीय बाजार, वित्तीय या पूंजी बाजार में अपनी सक्रियता सुनिश्चित नहीं कर पाते। और दूसरा, राजस्व के मामले में भी दक्षता का प्रदर्शन नहीं करते। तो ऐसी स्थिति में एक तो केंद्र जो है वो सीधे सहायता देकर राज्यों को नुकसान पहुंचा रही है, यानी उनकी जो एफिशिएंसी है उसको नुकसान पहुंचा रही है। दूसरा एक और बात है, एक बहुत पहले किताब आई थी, आप लोगों ने पता नहीं पढ़ी कि नहीं, एपीजे अब्दुल कलाम की विजन 2020, किताब पढ़ते हैं नहीं? ज्यादातर यूपीएससी के बच्चों ने किताबें पढ़नी छोड़ दी हैं? आप सब लेखक हो गए हैं दरअसल, और जब ये रिजल्ट आता है तो जी भर भर के यूपीएससी को गरियाते हैं, हिंदी वाले गायब क्यों हैं, और हिंदी वालों ने उस स्तर का मैटर पढ़ना बंद कर दिया। जरा सा आप, मैं तो बीच में आपके रहता हूं इसलिए कह रहा हूं आपको, हो सकता है बुरा लगे है मेरी बात को, जरा सा आप लेवल के ऊपर पढ़ा दीजिए उनके लेवल से, वो दूसरा सरल वाला विकल्प खोजने लगेंगे। वो आपका सर ये नहीं चाटेंगे कि बताओ ये मुझे समझ में नहीं आया, क्यों नहीं आया, ये क्या है, तो भाई आयोग थोड़ी ना आपके अनुरूप कन्वर्ट करेगा अपने आप को। एक हमें, हम देखिए भाषा क्या है, ऐसा नहीं कि अंग्रेजी भाषा वाले सब सेलेक्ट हो रहे हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं आप देखिए उनका ज्यादा, जो IITians हैं, जो MBAs हैं, तो उनकी जो स्किल है वो सामान्य एकेडमिक की, और हम लोग हिंदी माध्यम के स्कूलों से आते हैं वहां की एकेडमिक में उनकी स्किल, तो हमें अपनी स्किल को उस स्तर तक ले जाना है। तो कभी कभी तो उसमें एक बात कही थी एपीजे अब्दुल कलाम ने, उन्होंने कहा कि भारत की कोई भी योजना ऐसी नहीं बनती है जो खराब हो, कोई भी योजना ऐसी नहीं बनती जिसमें पोटेंशियल ना हो, लेकिन कोई भी योजना ऐसी नहीं बनती जो प्रैक्टिकल हो। है क्या कि आपने सभी को पोलियो ड्राप पिला दिया, अब उसमें भाई कुछ हट्टे कट्टे हैं जिनको पोलियो ड्राप की जरूरत नहीं, डायबिटीज है, तो उनको आप पोलियो ड्राप पिलाएंगे तो डायबिटीज तो ठीक नहीं हो जाएगी ना, उसको उसका इलाज करिए। तो उन्होंने कहा कि आप पूर्वोत्तर के क्षेत्रों में चले जाइए, आप राजस्थान में गंगानगर से उधर जैसलमेर और उस पूरे इलाके में चले जाइए, आप साउथ में चले जाइए और आप मध्य भारत में चले जाइए, विदर्भा में चले जाइए, आप हर जगह कृषि और वहां की रूरल जो जेंट्री है, क्या उसका सिमिलर स्टेटस, क्या उसकी सिमिलर कंडीशंस, क्या समान एग्रीकल्चर, आप एक गेहूं पर कोई नीति ले आए, धान पर कोई एक नीति ले आए और पूरे देश पर अप्लाई कर देते हैं,
ठीक है, अब चलानी वो राज्यों को होती है। अब पता लगा एक कोई ऐसा राज्य है, अभी जैसलमेर है, वहां धान की खेती के लिए पहुंच गया 3,000 करोड़ रुपया, तो क्या करेगा वो, धान की खेती तो हो नहीं रही है। तो उन्होंने कहा कि फिर वो करप्शन को बढ़ाता है, क्योंकि उसमें लोग कुछ नहीं दिखाएंगे कि रेत में ही धान लगाया गया था, हुआ नहीं है, नष्ट हो गया। तो आप इसलिए राज्यों पर छोड़ना चाहिए कि प्राथमिकताएं तय करना ये राज्यों की जिम्मेदारी है। या तो राज्य सारे अपनी प्राथमिकताएं तय करें और ये किसी योजना आयोग या विकास परिषद की तरह उनमें बैठ करके उनका एक पूरा सबका ड्राफ्ट लिया जाए और ड्राफ्ट के अनुसार सम्मिलित या कंप्रिहेंसिव योजना बने, और वो कंप्रिहेंसिव योजना क्या करे कि उनके अनुसार जिसकी जिसकी जो नीड है उसके अनुसार उसको फंडिंग दे दी जाए कि भाई आप अपने क्षेत्र में जो आपकी प्रॉब्लम है एग्रीकल्चर उसको दूर करें। तो उन्होंने कहा नंबर एक, वही है वित्त आयोग कह रहा है कि नंबर एक जो केंद्रीकृत योजना बनती है या केंद्रीकृत वित्त पोषण कार्यक्रम का निर्माण होता है, तो अब नीचे लिखिए इसी में नंबर एक, यह संपूर्ण देश के लिए एकीकृत होती है। अर्थात इसमें यह अंतर नहीं किया गया होता है कि उत्तर प्रदेश के किसानों की मूलभूत समस्या क्या है या नागालैंड और त्रिपुरा के किसानों की क्या। नंबर दो, क्षेत्रीय या राज्य स्तर की समस्याओं के लिए निर्धारण के लिए राज्य का तंत्र अधिक उपयोगी होता है। इसलिए उन समस्याओं के आकलन का दायित्व तो राज्यों पर ही डालना चाहिए। नंबर तीन, क्योंकि वित्त पोषण संबंधी योजनाओं का क्रियान्वयन राज्य ही करते हैं, इसलिए समस्याओं का निर्धारण करते समय जब राज्य की भागीदारी कम की जाती है तो वे क्रियान्वयन में भी अपनी प्रशासनिक दक्षता प्रकट नहीं कर पाते।
और लास्ट पॉइंट इसने बताया इनसे अलग, चौदहवां वित्त आयोग, चौदहवें वित्त आयोग के अध्यक्ष का मत यह भी है कि प्रत्येक राज्य की क्षमता का समाधान तर्कपूर्ण तरीके से होना चाहिए। ठीक, यहां तर्कपूर्ण तरीका क्या है? जैसे आप देखते हो कभी आधार बना लिया जाता है जनसंख्या को, कभी आधार बना लिया जाता है वित्त प्रबंधन को, कभी आधार बना लिया जाता है कुछ अन्य कारण को। तर्कपूर्ण क्षमता क्या है? उसके पास जो है कुशल ह्यूमन कैपेसिटी कितनी है, उसने टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट कितना दिया किया है, उसका वित्तीय कुशलता उसकी किस प्रकार की है, उसकी राजस्व की दक्षता किस प्रकार की है, उन दक्षताओं को देखते हुए। अब ये रिजर्वेशन सिस्टम वहां नहीं चलेगा कि जिनकी दक्षता बेहतर, जैसे जनसंख्या के आधार पर कर लिया तो दक्षिण वाले राज्य तो निराश होने लगेंगे क्योंकि पता लगा फिर तो उत्तर प्रदेश बिहार अपना सबसे आगे रहेगा सबसे ज्यादा फंडिंग। तो वो कहते हैं जो राज्य जितना कुशल हो उसका वित्तीय पोषण उसी अनुपात में किया जाना चाहिए, लेकिन इसको धीरे धीरे कम करके उनको स्वयं ऑटोनॉमस बना दो। आप वित्त पोषण मत करिए, जैसे पिछली बार 42 किया, आप 52% के आसपास तक पहुंचा दीजिए और उसके बाद वो अपने आप ही अपनी वित्तीय कुशलता का प्रदर्शन करें और उनकी आप ऑडिटिंग कराइए, उनकी आप निगरानी कराइए, क्योंकि बिना ऑडिटिंग के अगर कोई रिजल्ट नहीं देता है तो ये दिक्कत करेगा। तो ये है, बाकी जैसे यहां कहा जाता है जनता जवाबदेही तय कर लेगी, तुम्हारी जनता जवाबदेही तय नहीं करती है, वो तो फ्लो में चलती है। ठीक है, चलिए इसमें इतने पॉइंट थे। अगला, अच्छा एक अभी न्यूज में मैंने पढ़ा था, रीट मॉडल पर बिक सकती हैं सरकारी कंपनियां। रीट, आर ई आई टी, ये क्या होता है नहीं पढ़ा? पहले पॉइंट लिख लो, फिर जो जिसको ना समझ में आया है बस नोट, चूंकि खबर में है इसलिए अच्छा है। रीट का मतलब है रियल इस्टेट, ई रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, ब्रैकेट में रीट। देखिए, केंद्र सरकार अपनी कंपनियों की भूमि तथा शत्रु संपत्तियों की बिक्री के लिए वित्त मंत्रालय के अधीन रीट मॉडल पर विचार कर रही है। जिसे प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड से भी रेगुलेट करेगा। आगे लिखिए, इस मॉडल के तहत
भूमि को एक ट्रस्ट के हवाले किया जाएगा, और यह ट्रस्ट संस्थागत निवेशकों को निवेश के लिए आमंत्रित करेगा। प्लस अब इसमें प्रॉपर्टी बेची नहीं जाएगी और ना ही निजी हाथों में उसका प्रबंधन हस्तांतरित किया जाएगा। पुलिस स्टॉप। सरकारी कंपनियों, अगला पॉइंट, सरकारी कंपनियों या शत्रु संपत्ति का की कर देना पहचान गृह मंत्रालय करेगा। देखिए अभी तक हम लोग बात करते थे बेचने की, तो बेचने में क्या होता था, जैसे मान लिया एक कोई कंपनी है, ए कंपनी है, आपने इसकी मार्केट कैपिटल असेट आंक लिया कि 600 करोड़ रुपए है। आपने क्या किया, 301 करोड़ रुपए में इन्वेस्टमेंट जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है इसको इनवाइट कर लिया। तो देखिए यहां पर सीधा सीधा हम लोग ये कहते हैं कि सरकार ने इक्विटी बेच दी, क्योंकि शेयर आप जानते होंगे जो संस्थागत निवेशक हैं, दो प्रकार के निवेशक हैं ना, एक एफआईआई, सॉरी केवल आईआई करो यहां, फॉरेन नहीं, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट और दूसरा डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट है ये शेयर बाजार से खरीदता है और शेयर के थ्रू पैसा जाता है और ये शेयर सामान्य शेयर होता है। लेकिन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में ये शेयर जो है वो इक्विटी के रूप में होता है, ये मैनेजरियल शेयर बोलते हैं, इसको प्रबंधकीय शेयर भी बोलते हैं। तो ये जैसे आप डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करेंगे तो इसका मतलब आप इक्विटी बेचेंगे, और इक्विटी जहां आपकी 50% प्लस हुई तो ये क्या करेगी, ये आपका प्रबंधन अगले को ट्रांसफर कर देगी। लेकिन अब ये क्या कर रहे हैं, ये जो ट्रस्ट के जरिए काम कर रहे हैं, रीट मॉडल पे कर रहे हैं, इसमें क्या इन्होंने ये ट्रस्ट बनाया, ठीक। अब किसी भी सरकारी कंपनी जो है या शत्रु संपत्ति, क्योंकि इसमें इन्होंने दोनों को शामिल किया है, इसकी पहचान की जाएगी और पहचान करने के बाद
ये इसे हैंड ओवर कर दी जाएगी। ठीक भाई, इसने पहचान कर ली कि ये शत्रु संपत्ति है या ये कंपनी है जिसमें हमें पैसा चाहिए, लेकिन हम उसको अब बेचना नहीं चाहते हैं, वो रहे सरकारी हाथों में। तो ऐसी स्थिति में जैसे ये इसके नियंत्रण में देगी, फिर ये क्या करेगी, ये सेबी के निर्देशन में कार्य करेगी, क्योंकि वही इसका रेगुलेटर है, और इसकी बाजार कीमत तय करेगी। जब बाजार कीमत तय हो जाएगी तो इसके आधार पर सेबी के अनुसार या नियमानुसार कर देना, निर्धारित शेयर सुनिश्चित करेगी, और संस्थागत निवेशकों के लिए द्वार खोल देगी। तो परिणाम क्या आएगा कि इसे पूंजी प्राप्त हो जाएगी, रिजल्ट कंपनी को जिससे उसे प्रतिस्पर्धी बनाया जा सके, ये है। एक और इसी तरह का करंट वो है, हाँ, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, जो निर्धारित शेयर सुनिश्चित करेगी, इसमें निवेश करने के लिए द्वार खोल दिए जाएंगे, मतलब वो इन्वेस्टमेंट कर सकेगी। तो इससे फायदा क्या होगा, एक कि देखिए अभी तक आपने देखा होगा बड़े आक्षेप लगते हैं सरकार पे कि सरकार सारी जो सरकारी प्रॉपर्टी है या राष्ट्रीय प्रॉपर्टी है वो प्राइवेट हाथों में बेचे दे रही है, तो अब ये उस पर नहीं लगेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि क्या प्राइवेट सेक्टर ये स्वीकार कर लेगा कि सरकारी मैनेजमेंट हमारी पूंजी प्राप्त करके बेहतर रिजल्ट दे पाएगा या नहीं। इसी के साथ एक और मॉडल पर विचार कर रही सरकार, वो भी इसी क्रम में लिख लो नीचे नोट करके। हाँ, किससे, गुड, ये पढ़े नहीं आप हैं,
नहीं, ये सरकार को घोषित करना पड़ता है, जैसे कोई भगोड़ा है इसी, हाँ कि हाँ, तो अगर अगर सरकार ने घोषित कर दिया, जब तक देखिए किसी भी व्यक्ति को भले आप भगोड़ा घोषित कर दें, पर उसकी संपत्ति शत्रु संपत्ति घोषित ऑटोमेटिक नहीं हो पाएगी। ये तभी घोषित होती है जब आप किसी ऐसे देश में जा रहे हैं जिसे भारत मानता है कि वो हमारे हितों को नुकसान पहुंचाएगा। तो अगर आप वहां गए हैं और उस देश में रह रहे हैं जो भारत के विरुद्ध गतिविधियां चलाता है, तो भारत उसे शत्रु संपत्ति घोषित कर सकता है, एक बात। दूसरा, कोई भी भगोड़ा अगर जा रहा है और अगर वो अपनी जो भी उसकी पूंजी है या भारत में स्थित पूंजी पर, अभी भारत ने ब्लॉकेड नहीं लगाया है, उस पूंजी से कोई ऐसी एक्टिविटीज कर रहा है जो एंटी नेशनल है, एंटी गवर्नमेंट है, तो भारत सरकार चाहे तो उसे शत्रु संपत्ति घोषित कर सकती है। शत्रु संपत्ति घोषित होने के परिणाम स्वरूप दो बातें आती हैं, या तो ये सीधे सीधे कस्टोडियन ऑफ एनिमी प्रॉपर्टी फॉर इंडिया, ठीक, या गृह मंत्रालय, इन दो के अधीन आ जाती है, और वही फिर उस दोनों दोनों चाहे जिसको दे दी जाए, ज्यादातर होम मिनिस्ट्री कस्टोडियन को ही सौंप देती है, तो वो कस्टोडियन ही उसका रखरखाव करने लगता है जो सीधे होम मिनिस्ट्री को रिपोर्ट करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि वो संपत्ति भारत सरकार की संपत्ति हो जाती है। तो ये है, तो इसको जैसे आप मान लिया, अभी आपने देखा होगा एक मुकदमा चला था सुप्रीम कोर्ट में, लखनऊ में तमाम प्रॉपर्टी थी राजा महमूदाबाद की, तो उनके फादर पाकिस्तान चले गए थे लेकिन वो यहीं रहे, भारत सरकार ने उनकी संपत्ति को शत्रु संपत्ति घोषित कर दिया था, उसमें वो मुकदमा लड़े और फिर वो जीते भी। उन्होंने कहा कि चूंकि वो प्रॉपर्टीज हमारी हैं और हम वहां नहीं गए थे, तो उसके बाद मुकदमे में उनके पक्ष में गया, लेकिन साथ में ये भी लगा दिया कि जिन लोगों ने उनकी प्रॉपर्टीज को किराए पर या किसी तरह से ले रखा था उसे वे खाली नहीं करा सकते हैं, या सरकार के कोई सरकारी दफ्तर चल रहे हैं उसे भी वो खाली नहीं करा सकते हैं, उनसे जो पूर्व निर्धारित किराया है वही ले सकते हैं। तो इस प्रकार से ये सरकार को ही करना पड़ता है। तो सरकार ने अगर कर दिया, अब सरकार सीधे ना बेच करके ये ट्रस्ट बनाएगी, ट्रस्ट को बेचने के लिए या उसमें शेयर इन्वाइट करने के लिए केवल जो है दे देगी कि आप इसके लिए मनी कलेक्ट करिए, मतलब इसका कुल मिला के काम। तो ये स्पेशली ये दो प्रकार की कंपनियों के लिए होगा। तो अभी ये छोटी कंपनियों के लिए, शत्रु संपत्तियों के लिए तय किया गया है। इसमें कितनी कंपनियां आती हैं, या जैसे मैंने अभी कहा कि आपके अंदर में प्रबंधन रहते हुए क्या प्राइवेट कैपिटल आएगी, क्योंकि वो तो तुरंत चाहेगा कि प्रबंधन हमारे हाथ में हो। आपका प्रबंधन फेल्योर रहा इसलिए आपकी कंपनी जो है वो प्रॉफिट नहीं दे पाई, तो जाहिर सी बात है अब वो इसको कैसे स्वीकार करते हैं, अभी तो क्योंकि इसकी शुरुआत की जा रही है। दूसरे मॉडल पे ये विचार कर रहे हैं कि इन कंपनियों को लीज पे दिया जाए। अभी क्या है, आपने 51% शेयर दे दिया तो फॉर एवर के लिए हो गया ना। अब ये है कि उन्हें 99 वर्ष की लीज पे दिया जाए और वो लीज पे चलाएं, तो उसी स्थिति में भी प्राइवेट कंपनी वाले बहुत कम लेंगे, क्योंकि 99 ईयर की लीज पे लिया और कारोबार जब आपका बढ़ गया तो आपका वो वापस हो गया। पर इससे ये केवल इतना एक मिटाना चाहते हैं कि इन्वेस्टमेंट में जो सरकार के ऊपर प्राय आक्षेप लगने लगता है कि अपने लोगों को या सस्ते दामों पर ये दे रहे हैं, उसके लिए। ठीक, नेक्स्ट आइए। क्यों नहीं किया जा सकता है? तो सरकार अगर मान ले कि वो भारत के खिलाफ एक्टिविटी चलाते हैं, ये तो सरकार पे निर्भर करता है, उसको वो करना करेगा, कैबिनेट उसको मंजूरी देगी, तो जब कैबिनेट मंजूरी देगी तभी ये माना जाएगा, तब से इससे पहले नहीं माना जाएगा, तो उसकी एक प्रोसेस होती है। ठीक, चलिए। एक अभी और खबर में आया था कि एसबीआई ने जो छोटे डिपॉजिट्स हैं उनकी ब्याज दरों को रेपो के साथ जोड़ दिया, तो इसका क्या फर्क पड़ा, नंबर एक। नंबर दो, ये अखबारों में तमाम लिखा था, खास करके इकोनॉमिक टाइम्स या बिजनेस स्टैंडर्ड में, कि आरबीआई लगातार बैंकों से यह कह रही है कि आप बाहरी बेंचमार्क फिट करिए,
या बाहरी बेंचमार्क को अपनाइए। तो आपसे हमें तीन सवाल पूछने हैं, नंबर एक ये बेंचमार्क क्या है, नंबर दो ये बाहरी बेंचमार्क क्या है, और नंबर तीन अगर रेपो से जोड़ दिया जा रहा है तो उस बेंचमार्क का मतलब यहां पर क्या है, बताइए कौन बताएगा? नहीं पढ़ा है, प्राइमरी लेंडर को कि प्राइम लेंडर को? प्राइम लेंडर को देता है। हाँ लेकिन ये तो इन्होंने छोटे निवेशकों के लिए रखा तो इससे क्या लाभ हो जाएगा, बड़े निवेशकों के लिए क्यों नहीं रखा? चलिए कुछ पॉइंट नोट कर लो और जहां पर मुझे लगेगा समझाने वाला मैं समझाता हूं। लिखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने यह घोषणा की है कि एक मई 2019 से सेविंग अकाउंट्स अंडरलाइन कर लीजिएगा, करंट अकाउंट नहीं है, सेविंग अकाउंट्स में जमा और कम अवधि वाले ₹1,00,000 से अधिक के कर्जों पर लगने वाली ब्याज दर को 0% के आधार पर तय किया जाएगा। नीचे लिखिए नोट करके, भारतीय रिजर्व बैंक नकदी की कमी से जूझ रहे बैंकों को रेपो रेट पर ही कर्ज देती है, देता है कर देना। नंबर दो, भारतीय रिजर्व बैंक ने दिसंबर 2018 में ही बैंकों से कहा था कि वे आवासीय ऋणों और फ्लोटिंग रेट वाले सभी कर्जों को भी बाहरी बेंचमार्क से जोड़ दे। नेक्स्ट पॉइंट हेडिंग डाल लीजिए, क्यों नहीं जोड़ रहे थे या
क्यों बाहरी बेंचमार्क से ब्याज दरें नहीं जोड़ रहे थे बैंक, क्यों बाहरी बेंचमार्क से ब्याज दरों को नहीं जोड़ रहे थे बैंक। नंबर एक, क्योंकि अधिकांश जमाएं सावधि ब्रैकेट में फिक्स्ड या रिकरिंग होती हैं, जिनकी हस्तांतरणीयता ट्रांसफरेबिलिटी जिनकी हस्तांतरणीयता लचीली नहीं होती, फ्लेक्सिबल लचीली नहीं होती। नंबर दो, एसबीआई के पास सेविंग डिपॉजिट में कुल डिपॉजिट का 30% है, जिसमें 20% एक लाख से नीचे का है। इस दृष्टि से इस नियम के अंतर्गत बहुत कम धनराशि ही बाहरी बेंचमार्क से जुड़ पाएगी। नेक्स्ट, बैंकों की कर्ज लागत दर ठीक यानी कॉस्ट रेट ऑफ लोन, कर्ज लागत दर इन जमाओं पर पच्चीस आधार अंकों की कमी कर देने पर भी बहुत कम घटेगी। और लास्ट पॉइंट है, एक व्याख्या के अनुसार बचत खातों को रेपो दर से जोड़ देने पर जमाओं का कुछ हिस्सा फिक्स्ड डिपॉजिट में बदल जाएगा। देखिए, जो आरबीआई के इंस्ट्रूमेंट हैं कौन कौन से हैं, सीआरआर, रेपो, रिवर्स रेपो, एसएलआर, बैंक रेट, और है कोई है? देखिए, अब दौर क्या आ रहा, आपने एक शब्द लिबोर सुना होगा, लिबोर है ना,
भारत में भी उस तर्ज पर निबोर बन रहा है। निबोर का मतलब है कि लंदन बैंक ऑफर्ड रेट, कि लंदन बैंक ने क्या किया है, कुछ बैंकों का समूह बनाया जो बड़े बैंक हैं, और वो क्या करता है, एक दिन, एक सप्ताह, एक माह, छह माह और एक साल, इनके ऑफर्ड रेट रखता है। मतलब उसका मेन रेगुलेटरी बॉडी से कोई मतलब नहीं। सपोज करिए हमारे बैंक रेट 7% है, बाकी और छोड़ दो, मेन तो इसी से बेंचमार्क डिसाइड होता। लेकिन अगर किसी 10 बैंकों ने एक समूह बना लिया जो बड़े बैंक हैं, और उन्होंने कहा कि हमारा ऑफर्ड रेट 10% है, हम इस पर ही आपका डिपॉजिट करेंगे और इस पर ही आपको लोन देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये बाहरी बेंचमार्क हो जाएगा। क्योंकि जो मेन, जिससे मुख्य रूप से आपकी ब्याज दर डिसाइड नहीं होती है, उसके अतिरिक्त जो बाहर तय होते हैं या जो तात्कालिक प्रभाव वाले होते हैं, जो आपके कर्ज को इफेक्ट करते हैं, उन सबको एक कॉमन शब्दावली में बाहरी बेंचमार्क कहा जाता है। और बेंचमार्क इसलिए कहा जाता है कि उसके बदलने से आपकी ब्याज दरें बदल जाएं, चाहे आप कर्ज की ब्याज दर हो चाहे डिपॉजिट की ब्याज दर हो। तो जब किसी एक दर के बदलने से बैंक के कर्ज देने की दर या बैंक की जमाओं की दर बदल जाती है, तो ऐसी दर को प्रायः बेंचमार्क कहा जाने लगता है। लेकिन चूंकि अभी इन्होंने कहा था जो प्राइम लेंडर है, तो यहां पर मैंने कहा कि लंदन बैंक ने क्या किया, 11 बैंकों को मिला लिया। अब 11 बैंकों के जो प्राइम लेंडर होंगे, उनके हिसाब से वो तय कर देगा और शेष उसी का पालन करेंगे। तो छोटे बैंकों, छोटे कर्जदारों, छोटे डिपॉजिटरों का क्या होगा, आप जान सकते हैं आने वाले समय में। भारत में भी इसकी तर्ज पर निबोर बना है, मुंबई बैंक ऑफ रेट अफोर्ड रेट। तो यहां पर इन्होंने कहा कि ये तो आपका इंटरनल बेंचमार्क है, क्योंकि ये सीधे डिसाइड करता है, ये आपका इंटरनल बेंचमार्क है। लेकिन ये बेंचमार्क जो है, ये इंटरनल नहीं है, ये आरबीआई के इंस्ट्रूमेंट हैं जो मॉनेटरी पॉलिसी को रेगुलेट करते हैं। इनके लिए एक शब्द ही यूज किया गया, ये बेसिक इंस्ट्रूमेंट हैं जो मॉनेटरी पॉलिसी को रेगुलेट करते हैं। क्यों इंस्ट्रूमेंट है भी, ये जो आप रेपो का मतलब क्या है, क्या करता है, रीपर्चेजिंग ऑब्लिगेशन। तो इसमें वो क्या करता है कि आपकी, आपको शॉर्ट टर्म उधारी देता है, और इसमें शॉर्ट टर्म आपको डिपॉजिट करता है। तो आप देखिए जितने भी पूंजीवादी बाजार हैं, उनका मानना है अब शॉर्ट टर्म फ्लेक्सिबिलिटी को आप तय करिए। आप एनुअल तय कर देते हैं, आप 2 इयर्स का तय कर देते हैं, जैसे हम लोग फिक्स डिपॉजिट करते हैं, तो भाई 5 साल का डिपॉजिट किया तो उसमें 5 साल का आपका रेट लगा दिया। लेकिन ये क्या है, ये फ्लेक्सिबल है, और ये बाजार के हिसाब से तय होता है। कि जब आप देखते हैं कि बाजार में तरलता सरप्लस है, अगर एक्सेस, तो रेपो रेट को क्या करेगा, बढ़ा देगा। अगर वो न्यूनतम है या न्यून है, कम है, मिनिमम है, तो क्या करेगा, उसको घटा देगा। तो जाहिर सी बात, अगर तरलता कम है तो ज्यादा कर्ज लेने की आवश्यकता है, उसमें डिपॉजिट ज्यादा लोग नहीं करेंगे, तो वो कहता है कि आप इस बेंचमार्क से जोड़ने की कोशिश करिए। तो एसबीआई ने इस बेंचमार्क से जोड़ दिया। लेकिन विश्लेषक कहते हैं, जो आंकड़ा निकल के आया, उसने जोड़ा किसको, 1 लाख से ऊपर वाले को। और भारत में जो डिपॉजिट है बैंकों का, मैंने पहले बताया 1 लाख से नीचे का कितना है, यानी कुल डिपॉजिट जो है ये 30% है, और उसका बचा कितना, 10%। आप 10% को केवल जोड़ करके आपको फायदा क्या हो पाएगा। और दूसरा बात ये कहते हैं, जैसे आप रेपो से आप करोगे तो उसका नेचर एक प्रकार से फिक्स डिपॉजिट जैसा हो जाएगा, क्योंकि आप उसको रेगुलेट करने लगे।
जो हमारे डिमांड डिपॉजिट होते हैं वो जमाकर्ता की इच्छा पर निर्भर करते हैं कि वो कैसे रेगुलेट करेगा, कब लाएगा। तो आप अगर उन बेंचमार्कों से जोड़ोगे तो व्यवहार कैसा होगा, वो व्यवहार ये लोग कह रहे हैं कि वो फिक्स डिपॉजिट जैसा हो जाएगा। तो ऐसे में लोगों के डिपॉजिशन की मात्रा घट जाएगी, वो आपके यहाँ डिपॉजिट करना नहीं चाहेंगे, वो भले ही रखे रहें। तो इन्होंने कहा कि या तो ये सारे पर ले आइए, बड़े डिपॉजिटर्स पे लाइए तो आपको फायदा ज्यादा है, क्योंकि क्राइसिस जो है वो छोटे डिपॉजिटर्स के कारण नहीं है ना छोटे कर्जदाताओं के कारण है, क्राइसिस किसके कारण है, बड़े डिपॉजिटर्स के कारण। तो ये सरकार के विशेषाधिकार में आता है कि सरकार जब चाहे भारतीय रिजर्व बैंक से, अगर उसके पास एक्सेस वित्त है या फाइनेंस है या स्टॉक मनी है तो उससे मांग सकती है और वो उसे देना पड़ेगा। ये दो पार्ट थे, ठीक। पहला मैंने क्या बताया, एक पार्ट था, और ये बड़ी मतलब अंग्रेजी मीडिया लिख रही थी बॉम्बे की, खास बात ये हिंदी लिखती तो कोई बात है नहीं, वहां हिंदी मीडिया चलता ही नहीं ज्यादा है, एक दो अखबार जाते हैं, एक नवभारत टाइम्स जाता है, एक वहां लोकमत निकलता है। तो वो कह रही थी कि नंबर एक, हम इसमें संवैधानिक नहीं लिखते हैं क्योंकि वो गलत है, भारतीय रिजर्व बैंक एक स्वायत्त शासी संस्था है, इसलिए इसमें भारत सरकार को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। और दूसरा पार्ट यह है कि आरबीआई भारत सरकार के एक अनुसंगी संस्था है, अतः सरकार के पास यह अधिकार है कि वह आरबीआई से धन की मांग करे। और आरबीआई उसे पूरा करे। ये दो कथन ही दिए हूं आपको, कथन एक सही है, कथन दो सही है, दोनों सही हैं या दोनों गलत हैं, यहां बताना पड़ेगा कि क्यों कौन सा सही है। वहां तो कोई पूछने वाला है नहीं, जो करेगा वो बाद में रिजल्ट में करेगा। दोनों सही है। कितने लोग मानते हैं दोनों सही है, और कितने लोग मानते हैं पहला सही है, ठीक, कितने लोग मानते हैं केवल दूसरा सही है। देखिए यहां पर एक बस स्लाइट वो है जिसको यूपीएससी इग्नोर भी कर सकता है, मान भी सकता है, ये कि हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। तो जब भी कहा जाता है हस्तक्षेप तो नहीं करना चाहिए। स्लाइड इतना है, देखिए हस्तक्षेप करना और अपने लिए धन मांगना ये दोनों अलग अलग चीजें हैं,
और चूंकि उसे राइट मिला है 7 के तहत कि वो कर सकता है तो वो करेगा। तो मैंने कहा एक बहुत स्लाइट डिफरेंस है, वो इन दोनों को सही भी मान सकता है और पहले को गलत भी मान सकता है। एकदम आप राइट नहीं कर सकते हो कि साहब ये गलत ही है पहला या सही है, तो उस तरह से फिर तो दूसरा भी उतना गलत है जितना पहला गलत है। तो या तो दोनों सही है या दोनों गलत हैं। कैसे हैं? देखिए, जो ये है इसमें एक साफ बात आई, अगर 1934 का एक्ट पढ़ें उसका, तो ये वित्त मंत्रालय की अनुषंगी एक संस्था है और यह माना गया कि वित्त मंत्रालय इसका एक सीनियर बॉस है, मतलब एक बॉस इसका गवर्नर है और वित्त मंत्री सीनियर बॉस है। वो हस्तक्षेप सामान्य स्थिति में नहीं करेगा, लेकिन चूंकि वो सरकार का एक सीधा अंग है और यह सरकार का बैंक है, इसलिए ये उससे ओवरड्राफ्ट से लेकर कई तरह की फाइनेंसिंग सपोर्ट को मांग सकता है। तो ऐसी स्थिति में उसका मांगना यह हस्तक्षेप नहीं माना जाता। कभी कभी हम लोग डिमांड को हस्तक्षेप मान लेते हैं। लेकिन यहां पर फंड के संदर्भ में मैंने दो बातें पढ़ी थी। एक, इनका जो फंड होता है वो कंसोलिडेटेड फंड होता, सॉरी कंटिंजेंसी फंड है, आकस्मिक निधि आरबीआई के पास होता है, और दूसरा जो है ये स्टेच्यूटरी होता है, यानी सांविधिक। और ये आकस्मिक, दो प्रकार के फंड होते हैं। आपने देखा कि यह भी आया था खबरों में, हालांकि सरकार ने स्पष्ट तौर पर एक्सेप्ट नहीं किया कि उसने इतना पैसा मांगा, कि इनके पास नियर अबाउट 39.2 बिलियन की धनराशि इन दोनों फंड्स में है, इसलिए 3.5 बिलियन या 3 बिलियन के आसपास सरकार ने मांगा था, वो दे देना चाहिए। तो हमें राशि चूंकि सरकार ने आधिकारिक तौर पर डिक्लेयर नहीं की, तो हम लोग भी वो फैक्ट ना याद रखें, पर ये याद रखें कि सरकार ने कहा कि हमें ये धनराशि चाहिए, दे देना चाहिए। अब यहां ध्यान रखिएगा, ये स्टेच्यूटरी फंड इसका किस लिए यूज होता है पता है? जो आरबीआई का सांविधिक फंड होता है ये किस लिए प्रयुक्त होता है? देखिए, एक इसमें कीमत जो इसके पास गिरवी रखा या रखा होता गोल्ड, तो ये गोल्ड या सोने की कीमत को स्थिर रखने के लिए, अगर जहां पर भी अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में उतार चढ़ाव सोने का आने लगता है और आरबीआई देखता है कि भारत की ओर महंगा या बहुत सस्ता सोना आ रहा है, तो वो दो काम करने लगता है। सस्ता आ रहा है तो खरीद के रख लेता है ताकि बैलेंस बने, और महंगा आ रहा है तो सोना बेचने लगता है, उतार देता है। तो वो चूंकि राशि इसमें है, दूसरा इसमें क्या है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा विशेषकर डॉलर, का भारतीय मुद्रा के साथ संतुलन बनाए रखने के लिए ठीक
कैसे संतुलन बनाता है, क्योंकि डॉलर में जो इसकी राशि के पास राशि रखी होती है, आप ध्यान रखें कि जब भी रुपए के मुकाबले डॉलर महंगा होने लगता है तो ये क्या करता है, डॉलर उतार देता है। ये तो पढ़ा होगा। अभी अगला है एक टॉपिक, अभी एक खबर है कि अंतर्राष्ट्रीय आरबीआई की उसके फेडरल रिजर्व की ब्याज दरें भारत में कैसे भारतीय रुपए को प्रभावित कर रही हैं, और इस समय एक रिपोर्ट आई है कि आर्थिक मंदी आने वाली है, डॉलर और महंगा होगा। तो और महंगा होगा तो क्या, तो वो उसमें कवर करेंगे। लेकिन यहां इतना ध्यान रखिए, देखिए एक चीज को छोड़ करके भारत में जिसकी डिमांड ज्यादा हो वो महंगा बिकता है ना, दूल्हा भारत का सब हमेशा महंगा बिकता है, डिमांड नहीं है तब भी बिक जाता है लोग इधर उधर से। तो डॉलर में क्या है कि जब उसको ज्यादा आप खरीदते हैं या ज्यादा आपको जरूरत है जो भी है, तो जाहिर सी बात है बाजार में मांग एंड डिमांड और सप्लाई रूल चलता है। तो जिसकी डिमांड बढ़ेगी और सप्लाई अगर कम है तो वो महंगा हो जाएगा, तो आरबीआई उसको बैलेंस करने के लिए अपना डॉलर बेचने लगती है। तो जब डॉलर वो बेचने लगेगी तो वो, तो इसका मतलब है अगर भारतीय मुद्रा, इससे भारतीय मुद्रा की साख जुड़ी है, क्योंकि अगर रुपया गिरता है तो उसकी साख घटेगी। और सोने के मामले में आप कहोगे तो यहां दो जुड़े हैं, या तो आप सीधे तौर पर कह लें साख, या इसके बढ़ने से मुद्रा का ह्रास होने लगता है, डेप्रिसिएशन ऑफ मनी। ये दोनों अलग अलग हैं, डिवेल्युएशन अलग है, डेप्रिसिएशन अलग है। और यहां पर भी डिवेल्युएशन नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा के रूप में इसका गिरना यानी मुद्रा की अंतर्राष्ट्रीय साख घटना, और ये मुद्रा की बाजार में कीमत का गिर जाना, ये दोनों होने लगते हैं। तो कुल मिलाकर के इस पैसे से आरबीआई को करना क्या है, मुद्रा की साख बचानी है और मुद्रा की कीमत में गिरावट को रोके रहना है, ये इसका काम है। और जो कंटिंजेंसी फंड है ये आकस्मिक कोई जरूरतें पड़ गईं, इनके लिए होता है, जरूरतों के लिए सुरक्षित होता है, इस पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता। तो जितने भी नेशनल और इंटरनेशनल थिंकर्स हैं उनका मानना है कि आरबीआई इसमें से आराम से पैसा दे सकती है। क्यों? क्योंकि ये भारत की आरबीआई की जो आधारभूत पॉलिसीज हैं उनके लिए सुरक्षित नहीं होता है। लेकिन अगर वो इससे पैसा मांगता है स्टेच्यूटरी से, तो फिर वो देने से इनकार कर सकता है, क्योंकि उसका प्राइमरी उद्देश्य है मुद्रा की अपनी साख को बचाए रखना, उसको रेगुलेट करना, तो इसलिए यहां पर वो इनकार कर सकती है। ऐसे में आप देखिए, क्योंकि इसमें उसके पास पर्याप्त मात्रा में फंड था, तो तब सरकार अगर मांग रही थी तो उसे इनकार नहीं करना चाहिए था, दे देना चाहिए था। लेकिन यहां पर भी उसने कहा दो शर्तें। देखिए, अगर आप इतना आगे समझो ना, अगर ये दे देती है तो ये आरबीआई की तरफ से कभी लिख के नहीं आया कि हम पैसा नहीं देंगे, हमने तो नहीं पढ़ा, आप लोग पढ़े हो तो अलग बात। आरबीआई सरकार से कह क्या रही थी, देखिए जब इस आधार पर पैसा मांगा जाता है तो नंबर एक सरकार को यह बताना होता है कि सरकार के समक्ष वित्तीय संकट आ गया है और दूसरा
इसका दायित्व तो सरकार को निभाना होता है। दायित्व का मतलब यहां लायबिलिटी, यानी जो आपने जो कर्ज लिया है या जो धन लिया है उसकी वापसी सुनिश्चित करना। तो आरबीआई कहती थी कि पहला तो ये, अब सरकार ये कैसे कह दे उसके सामने वित्तीय संकट है, जहां सरकार ने लिख के दिया तो भाई विपक्षी तो वैसे राह देख रहे हैं कि आप आइए मैदान में, तो सरकार ने ये लिख के नहीं दिया। और दूसरा, लायबिलिटी का टाइम बाउंडेशन होता है। लायबिलिटी का मतलब ये नहीं कि आज आपने पैसा ले लिया, भाई पैसा तो आरबीआई का है, सरकार का नहीं है, तो आप जो भी लोगे वो बारोइंग के रूप में लोगे ना, उधारी के रूप में लोगे, वो सरकार आपको आरबीआई आपको ग्रांट के रूप में या अनुदान के रूप में नहीं देगी। तो चूंकि वो उधारी होगा या कर्ज होगा तो उसकी वापसी सुनिश्चित करी जाए कि कब तक वो सुनिश्चित की जाएगी, तो सरकार वो भी नहीं सुनिश्चित कर रही थी। तो इन दो स्थितियों में ये दोनों के बीच टकराव था कि आरबीआई कहती थी कि भाई ठीक है हम दे तो देंगे कंटिंजेंसी फंड में से, लेकिन पहले हमको ये दो चीजें लिख के देनी पड़ेंगी, क्योंकि कंटिंजेंसी फंड से पैसा मांगते समय उसका कारण बताना आवश्यक होता है कि आपको ऐसी क्या जरूरतें पड़ गईं। स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट का जो फाइनेंस करने वाला, जो कर्ज देने वाला बैंक होता है, वो आरबीआई होता है, तो सरकार को क्या डिमांड हो सकती है इसका? इस पे ब्याज नहीं लगता है, इस पे ब्याज नहीं लगता है, ये ब्याज मुक्त होता है, क्योंकि आपने आकस्मिक उससे मांगा है और वो इसीलिए फंड बनाया जाता है कि आप अगर किसी क्राइसिस में आए हैं तो आरबीआई वो उठा के फंड दे दे, लेकिन वो आपसे ये सुनिश्चित कराना चाहता है कि आप इसको वापस कब तक करेंगे, क्योंकि आपका ये राजकोषीय उसका हिस्सा नहीं होता है कि आप इसको मनमाने ढंग से कहीं खर्च कर सकें, तो ये जवाबदेही होती है। तो बस इतना था, वो सरकार ने नहीं दिया और यही दोनों के बीच में टकराव था। माल्या की, अब मोदी जी थोड़ी निकल जाएंगे माल्या की तरह, मतलब माल्या निकल सकता है लेकिन गवर्नमेंट कहां जाएगी, गवर्नमेंट तो अल्टीमेटली जो है वो देगी, लेकिन गवर्नमेंट को ट्रांसपेरेंसी बनाए रखनी चाहिए। हम तो कहते हैं कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो या कहीं पर भी हो, अगर वो ट्रांसपेरेंट होता है तो वो डेमोक्रेसी को बड़ा मजबूत करता है। हमें पता है अगर वो कोई क्राइसिस किसी भी गवर्नमेंट के, जब दुनिया भर में क्राइसिस चल रही है तो इंडियन गवर्नमेंट के उसमें क्राइसिस आती है तो फिर कौन सी इसमें दिक्कत है, लेकिन वो बताना नहीं चाहते हैं कि नहीं कहीं पर आई है, वो तो हर जगह अच्छा 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 ही है ना, तो उसमें है ना। हम जैसे ही आ रहे थे नई दिल्ली स्टेशन से, पता लगा लिखा था क्या था, देश की सरकार मजबूत सरकार आतंकवाद के खिलाफ वोट, और देश की हाँ देश के पक्ष में और आतंकवाद के खिलाफ। तो अब ये संकट होने लगता है कभी कभी जो है, हम लोग तो मतलब बीजेपी माइंडेड होने के बावजूद मैं कई बार सवाल सोचता हूं, और आप लोग तो तगड़े से सोचिए, अभी तो 10 की लेटरल एंट्री हुई है ज्वाइंट सेक्रेटरी में, हाँ आगे चलकर के संख्या बढ़ेगी, तब क्या करोगे? हाँ, हमको क्या है, अब तो कोई बातें नहीं है, आप लोगों को नहीं पढ़ाएंगे अखबारों में, इतना तो लिखते ही है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए कुछ और लिख लीजिए पॉइंट इसमें। बीजेपी से मतलब नहीं, वहां भारत सरकार पैसा ले रही है, तो वो भारत सरकार ने पैसा लिया तो वो कोई सरकार आए वो भारत सरकार ही होगी और वो उसे वापस करना पड़ेगा। बिल्कुल आएगी वो, तो देखिए वो सरकार होगी, ये तो हम लोग पॉलिटिकली टर्मिनोलॉजी में कहते हैं ना बीजेपी की सरकार, वो तो चूंकि हमारे यहाँ दलीय व्यवस्था है राजनीतिक लोकतंत्र में, इसलिए हम ये बात कहते हैं, है ना। अब तो बीजेपी सरकार भी कहां कहा जाता है, मोदी सरकार कहा जाता है, लेकिन भारत सरकार है, टेक्निकली ये भारत सरकार है,
और कोई भी एक सरकार जाएगी उसकी जगह पर दूसरा, क्योंकि वो एक टर्म के बाद दूसरी सरकार आती है, ठीक है ना, इनकी आएगी वो भी दूसरी सरकार ही होगी अगर आई, तो वो भारत सरकार के नाम है। इसलिए ऐसे तो अंतर्राष्ट्रीय कर्ज जितना होता है ना, एक ले ले और दूसरी कहे भाई हमसे क्या मतलब, वो तो उन लोगों ने लिया था, अब जाओ अपना ढूंढो जा करके, ये थोड़ी चलेगा। अगला लिखिए जरा, नहीं ले, नहीं, सामान्य स्थिति में वो इसलिए नहीं देती है क्योंकि जब भी कोई सरकार पैसा लेती है तो वो लंबे समय के लिए लेती है, वो 5 साल 10 साल के लिए लेती है, वो केवल 1 या 2 साल के लिए नहीं लेती है। और उन बीच में अगर अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में इस तरह के कोई, क्योंकि जो बाजारवादी अर्थव्यवस्थाएं होती हैं वहां आपने पढ़ा होगा कि साइकिल्स चलते रहते हैं, ये यहां तक प्रॉस्पेरिटी का साइकिल होता है, यहां से यहां तक का रिसेशन का साइकिल होता है, ये डिप्रेशन का साइकिल होता है, ये रिकवरी का साइकिल। तो ये जो यहां पर तो है ही नहीं, ज्यादातर अर्थव्यवस्थाएं इसमें चल रही हैं, तो ऐसी स्थिति में ये भरोसा नहीं होता है कि आप अपनी लाइबिलिटीज को कब कंप्लीट कर पाएंगे। और स्टेचुटरी में से अगर आपको दिया और शेष चीजें आपके सामने आ गई तो फिर आरबीआई कहां से पूरा करेगी, तो फेल्योर कौन होगा, सरकार नहीं आरबीआई फेल्योर होगी। इसलिए वो कभी भी उस मेन उससे नहीं देगा स्टॉक से, जो हाँ देने पर आ जाए तो मतलब फिर क्या है भाई, तो कुछ भी हो सकता है, आप जान ही नहीं पाएंगे। बट अगर आरबीआई एक बॉडी के तौर पर काम करती है और अगर उसका उद्देश्य है मुद्रा की साख को बचाए रखना, मुद्रा स्फीति को कंट्रोल रखना और आवश्यक आपूर्ति मुद्रा की करते रहना, तो फिर वो ऐसा ही करेगी। ठीक, जरा 2-3 पॉइंट लिखिए इसमें। धारा 7 लिख लो, धारा 7 या सेक्शन 7 लिखो। देखिए आरबीआई और भारत सरकार के बीच सेक्शन 7 को लेकर टकराव था। इस सेक्शन के निम्नलिखित विषय हैं, नंबर 1, इसके तहत केंद्र सरकार रिजर्व बैंक के गवर्नर से परामर्श करके बैंकों को ऐसे दिशा निर्देश दे सकती है जो जनहित में हो या जनहित में आवश्यक हो। नंबर 2, इसके तहत इस तरह के किसी भी दिशा निर्देश के पश्चात बैंक का काम एक केंद्रीय निदेशक मंडल को सौंपा जा सकता है। जो बैंक की सभी शक्तियों का उपयोग कर सकता है,
लास्ट पॉइंट, इसके तहत रिजर्व बैंक के गवर्नर और उनकी अनुपस्थिति में उनके द्वारा नामित डिप्टी गवर्नर की गैर मौजूदगी में भी केंद्रीय निदेशक मंडल के पास बैंक के सामान्य अधीक्षण और निर्देशन की शक्तियां होंगी। स्टाफ वो उन सभी शक्तियों का उपयोग कर सकेगा जिनका उपयोग बैंक करता है। लास्ट में दो तीन पॉइंट और लिखो ऐसे विशेष करके। पूर्व गवर्नर भारतीय रिजर्व बैंक सहित आर्थिक विशेषज्ञों का मत है नंबर एक, भारतीय रिजर्व बैंक ऑटोनॉमस या स्वायत्त शासी संस्था होते हुए भी भारत सरकार का अनुसंगी संगठन है। और वित्त मंत्रालय के सहयोगी के तौर पर काम करता है। इसलिए यदि सरकार रिजर्व बैंक से अपेक्षाएं करती है तो उसे उन्हें ईमानदारी से पूरा करने का प्रयास करना चाहिए। नंबर दो, भारत सरकार में लोक शक्ति निहित है जबकि भारतीय रिजर्व बैंक
ऑटोक्रेट्स, इसकी हिंदी आप लिख लीजिएगा, ऑटोक्रेट्स के नियंत्रण वाली संस्था है। ऑटोक्रेट्स के नियंत्रण वाली संस्था है और किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोक शक्ति आधारित संस्था ही ऑटोक्रेट्स आधारित संस्था से बड़ी होगी। ठीक, एक उन्होंने संकेत और दिया था कि अगर आरबीआई भारत सरकार के साथ मिलकर नहीं चलती है तो यूरोप जैसा हाल हो जाएगा। हालांकि एक डिप्टी गवर्नर ने उसे उलट दिया था, समझ लीजिए थोड़ा सा क्या हुआ है, क्या करती है ये। जैसे आप देखिए, किसी भी देश में मूलतः दो चीजें होती हैं, एक मौद्रिक नीति, एक राजकोषीय नीति। उन्होंने क्यों यूरोप की तरफ इशारा किया कि क्यों यूरोप जैसी कंडीशन बन सकती है? देखिए, यूरोप में क्या था, ये पहली कंडीशन जरा हम यूरोप वाली आपको समझा दें, भारत अपने आप समझ में आए। इसको गवर्न कौन करता है? ठीक, जो सेंट्रल बैंक किसी देश की होती है, जिसे हम भारत में आरबीआई कहते हैं। ठीक, और यूरो जोन जो थी उसमें ये कौन करता था? ईसीबी करती थी यूरो जोन में। वह संकट का एक कारण था, अगर वही ये स्थितियां क्रिएट करते हैं तो भारत के सामने दिक्कत होगी। राजकोषीय नीति कौन तैयार करता है? सरकार तैयार करती है। ठीक, सरकार क्या करती है कि अगर उसे यदि सरकार को विकास को तीव्र गति देनी हो, तो अतिरिक्त निवेशों या कहिए पूंजी या वित्त जो भी कह लें की आवश्यकता होगी। जितना है माल्या 100 है और आप अगले साल 110 रुपए से ज्यादा अर्न करना चाहते हैं तो आप एक्सेस पहले इन्वेस्ट तो करिए। तो सरकार को अतिरिक्त जो ये पूंजी या निवेश जिसकी जरूरत होगी, इसके स्रोत क्या हो सकते हैं? एक घरेलू और दूसरा बाहरी। जो बाहरी होता है इसको हम लोग सरकारी या सावरिन ऋण बोलते हैं। कितना है इस समय भारत सरकार पे जीडीपी का बताओ? 2 काम करती है, एक घाटे का बजट बनाती है और दूसरा उधारी लेती है।
उधारी कहां से लेती है, कहां कहां से लेती है, और देखिए बाजार से भी होता है और लोक उधारी भी होती है। ये जो आप पीएफ वगैरह जाता है ये सब जो है सरकार एक प्रकार से आपसे उधार लेती है। तो चूंकि इन पर लाइबिलिटीज होती हैं उनकी बाजार की, ओ सरकार की, कि भाई आपसे उधार लिया कर्ज लिया तो मान लिया पीएफ ले रही है तो आपको 8.5% का ब्याज दे रही है ना, तो ब्याज लाइबिलिटीज हो गई। लेकिन अगर घाटे का बजट बना दे या घाटे का वित्त प्रबंधन कर दे तो यहां पर आप देखिए उसकी लाइबिलिटीज नहीं होती हैं, ठीक। तो जब ये घाटे का बजट बनाती है या घाटे का वित्त प्रबंधन करती है तो क्या करती है, ये आरबीआई के पास सिक्योरिटीज रख देती है। धन प्राप्त करती है तो इसमें इसकी लाइबिलिटीज नहीं है। आरबीआई, मैं बोल रहा हूं, आरबीआई के पास सिक्योरिटीज रखकर सरकारी परिसंपत्तियां और धन प्राप्त कर लेती है तो रिपर्चेज करती रहेगी। जब रिपर्चेज उसे करना होगा उसमें कोई लाइबिलिटी नहीं है। तो आप देखिए यहां टाइम बाउंड लाइबिलिटी है, यहां कोई लाइबिलिटी नहीं है। तो यूरोप में क्या हुआ कि जब सरकारों ने यह बनाया डेफिसिट फाइनेंसिंग किया और जैसे इसको दिया ईसीबी को, इसने क्या किया, इसने मना कर दिया नहीं देंगे, क्योंकि उन्होंने कहा आपके पास आपकी क्रेडिट अच्छी नहीं, आपकी साख अच्छी नहीं। अब सोचिए वो जब नहीं दी तो इन्होंने क्या किया, ये तो फेल हो गया। घर में वो उधारी ले नहीं सकते थे क्योंकि पहले से बहुत ले रखी थी, और वहां के लोगों के पास तो वैसे भी तो कर्ज पे चलते हैं, तो भारतीय ही हैं जो अपना बचा लेते हैं। तो बचा क्या उनके पास, वो निरंतर जो है सरकारी कर्ज लेते चले गए। और लगातार सरकारी कर्ज लेने का मतलब क्या हुआ, निरंतर अगर बढ़ता जाएगा तो जो ईयू का एक मॉडल था कि भई आपका सॉवरेन डेट जीडीपी का 60% से ऊपर नहीं होना चाहिए, इस समय भारत सरकार का 70% है जीडीपी का। दूसरा उन्होंने कहा था कि आपका जो राजकोषीय घाटा है वो जीडीपी का 3% होना चाहिए और रेवेन्यू डेफिसिट 0 जीडीपी का होना चाहिए। तो बाद में आपको पता होगा कि ग्रीस का एकदम खुलासा वहां हुआ कि उनका जो सरकारी ऋण था वो जीडीपी का 126% पहुंच गया। और पहले तो खुलासा हुआ कि फिस्कल डेफिसिट 15% है जीडीपी का, बाद में 27% निकल करके आया। तो इस तरह से देखिए उनकी इकोनॉमी पूरी कोलैप्स कर गई। और जब कोलैप्स कर गई तो उस स्थिति में अब आप क्या करोगे, जो भी आपको कर्ज देगा वो कहेगा नौकरियों से छटनी करो या जो भी करो। तो उसका इशारा यही था कि अगर भारत सरकार विकास के पर्पज से या जिस भी उद्देश्य से वो ट्रांसपेरेंटली अब अगर स्कीमें बनाती है और उसके लिए वो आरबीआई से कोलैबोरेट करना चाहती है, आरबीआई से वो फाइनेंस की मांग करती है, तो आरबीआई को यूरोप का उदाहरण ध्यान में रखते हुए भारत सरकार को वो पैसा प्रोवाइड कराना चाहिए, ये उसकी प्राथमिक जिम्मेदारी बनती है। लेकिन रघुराम राजन और एक और समूह है जो कहता है कि भाई ये आरबीआई की जिम्मेदारी नहीं है कि आप अपना अगर राजकोषीय क्राइसिस में जाते हो तो आरबीआई उसको करे, क्योंकि आरबीआई की प्राथमिक जिम्मेदारी है मुद्रा स्फीति पर नियंत्रण और रेगुलेशन, करेंसी का रेगुलेशन। लेकिन अगर आप डिटेल में पढ़ेंगे तो इन दो के साथ साथ उसकी ये जिम्मेदारी भी है, क्योंकि आरबीआई बैंकर है और इस नाते भारत सरकार की मांग पर वो तमाम स्कीमों के लिए वित्त पोषण उपलब्ध कराती है। तो यहां यही एक मेन पॉइंट था जिसको मुझे बताना था। आगे आइए।
क्या नहीं देखिए दे, जैसे नोट छापना का मतलब क्या है कि नोट वो बिना आपकी सिक्योरिटी के छापेंगे नहीं, बट सिक्योरिटी क्या है? लाइक अ पेपर, हमने आपको एक पेपर दे दिया, एक बॉन्ड दे दिया, बैंक बॉन्ड दे दिया या कोई बॉन्ड दे दिया, आरबीआई उसके हिसाब से छाप देती है। तो आरबीआई ये देखती है कि सपोज करिए कि पूरे देश में 100 रुपए का उत्पादन हो रहा है और आप एकदम सस्ता नोट छाप करके 150 कर दिए, तो वो 50 रुपए जो है वो तो उस बाजार में एक्सेस पहुंच गया ना। और जब ये एक्सेस पहुंच जाएगा तो ये तीन काम करता है। पहला काम क्या करता है, करेंसी की वैल्यू को डेप्रिसिएट कर देता है। दूसरा ये काम क्या करता है कि लोग सस्ते कर्ज यानी बैंकिंग तंत्र भी ढूंढने लगता है कि भाई लोग कर्ज लेने के लिए आए, और जब वो कर्ज लेते हैं तो जो आजकल एनपीए चल रहा है आप लोग उसको देख रहे हो, वो स्थिति आती है। और तीसरा एक और उसका कहना है कि जब इस तरह की सस्ती मुद्रा बैंकों में पहुंच जाती है तो वो माना जाता है कि अनअर्न्ड इंक्रीमेंट है, बिना हमारे प्रयास किए हुए ये हमारी आय में एक इंक्रीमेंट जुड़ गया है, तो उस पे वो करप्शन को प्रमोट कर जाते हैं क्योंकि अननेसेसरी हर विभाग में ज्यादा पैसा पहुंचने लगता है, तो उन्हें लगता है ये अतिरेक धन है और इसको किसी तरह से, क्योंकि उनके पास खर्च करने का पहले से रोडमैप नहीं होता है और पैसा पहले पहुंच जाता है। इसीलिए तो वित्त आयोग कहता है कि ये राज्यों पर छोड़िए ना, उनकी जो जरूरत है उनको, क्योंकि आप ज्यादा बजट बना करके उनको पैसा देंगे तो ये तो एक पॉपुलिज्म का पार्ट तो हो जाएगा। और ये डेमोक्रेसी में उन्होंने कहा, मैं बुरा नहीं मानता हूं, लेकिन स्टेट पहले बताएं उनकी कहां और कितनी जिम्मेदारी। तो तीन चीजों के कारण आरबीआई और उस पर जो है वो जो ताकतवर थोड़ा सा गवर्नर आता है वो अकड़ जाता है कि हम नहीं देंगे। ठीक, एक और कर लीजिए। अभी एक न्यूज आई है, अमेरिका घटा रहा है और भारत के आरबीआई सहित कई संस्थानों ने कहा है कि रुपए में और गिरावट आ सकती है। तो अमेरिका के ब्याज बढ़ाने या ब्याज घटाने से भारत के रुपए पर क्यों फर्क पड़ता है? सही कह रहे हैं आप, दो तीन पॉइंट जरा लिख लीजिए। रुपए का अवमूल्यन और भारतीय नीति, ऐसे हेडिंग डाल लो, रुपए का अवमूल्यन और भारतीय नीति। देखिए इस संदर्भ में कुछ बिंदु महत्वपूर्ण हैं। पहला, अमेरिकी आर्थिक नीति अब बड़े घाटों और उच्च ब्याज दरों पर केंद्रित हो गई है। बड़े घाटों और उच्च ब्याज दरों पर केंद्रित हो गई है, नीचे लिखे परिणाम,
वैश्विक पूंजी अमेरिका की ओर स्थानांतरित होगी जिससे उभरते बाजारों में परिसंपत्ति कीमतों और विनिमय दरों पर दबाव बनेगा। नंबर दो, इन अमेरिकी स्थितियों अथवा नीतियों के कारण वैश्विक पूंजी अमेरिका की ओर आकर्षित होगी इसका परिणाम यह होगा कि विकासशील या उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं की तरफ निवेश कम आकर्षित होंगे नीचे लिखे एग्जाम्पल वर्ष 2018 में कुछ उभरते बाजारों में गिरावट देखी जा सकती है। जैसे ये क्रम में है, सबसे ज्यादा है अर्जेंटीना में, अर्जेंटीना, टर्की, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका और इंडिया। नीचे लिखिए भारतीय मौद्रिक नीति, भारतीय मौद्रिक नीति के संदर्भ में अभी तक इस स्थिति को देखते हुए कोई लक्ष्य घोषित नहीं किया गया है। लेकिन यह माना जा रहा है कि इसे देखते हुए आरबीआई को अपनी मौद्रिक क्षमताओं का उपयोग करना चाहिए। इसे एक टर्म और आया है, थर्ड पॉइंट लिख लीजिए, भारत अब धीरे धीरे एक लचीली विनिमय दर वाले, एक लचीली फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट विनिमय दर वाले
देश से अत्यधिक प्रबंधित विनिमय दर वाले देश में बदल रहा है। इसका प्रभाव यह हुआ है, डैश करिए, मौद्रिक, डैश करके नंबर एक, मौद्रिक उतार चढ़ाव में कमी आई है। निजी व्यक्ति, अगला पॉइंट, निजी व्यक्ति मुद्रा से जुड़ा जोखिम लेने लगा है। थर्ड पॉइंट, सरकार उसके जोखिम का प्रबंधन कर रही है। इतना ही। जैसे यहां पर दो बातें हैं कि अगर वहां घाटे की कोई व्यवस्था आती है और वहां कर्ज की दर या ब्याज दरें बढ़ती हैं तो दुनिया इस तरह से प्रभावित क्यों हो रही है? देखिए, हमेशा एक चीज याद रखिएगा, वर्ष 2008 से लेकर के और 2013-14 तक लगभग एक मंदी का दौर चला, और आप अगर उनका पीछे जाके कैलकुलेशन करें तो जो 2008 से 11 तक लगभग अमेरिका में मंदी का दौर चला और 2011 से 14-15 तक EU में अभी भी लगभग बना हुआ है, तो इनमें होता क्या है, जब यहां पर मंदी का दौर आया तो EU का जितना भी इन्वेस्टमेंट था, निवेश, ये सब अमेरिका की ओर डाइवर्ट हो गया। यहां तक कि जो भारत में निवेश लगे थे वो रिवर्स फ्लो में चले गए, क्योंकि उनका मानना है कि अमेरिका एक ऐसी अर्थव्यवस्था है, अगर वो संकट में पहुंचती है तो यूरोपीय अर्थव्यवस्था संकट में जाए बिना नहीं बचेगी, इसलिए आवश्यक है कि अमेरिका को संकट से उबारिए। तो जितनी भी इमर्जिंग इकोनॉमी थी, जितनी भी विकासशील अर्थव्यवस्थाएं थी, जहां कहीं पर भी उनके निवेश थे वो सब रिवर्स फ्लो में चले गए। तो अभी भी अगर वो घाटे की ओर बढ़ती है तो क्या होगा, रिवर्स में जाएंगे। यहां तक कि चीन इतना लड़ रहा है ना, निवेश वहीं जा रहे हैं, तो इसका मतलब उनकी दोनों की लड़ाई असली वाली नहीं है। हाँ, ये वैसी वाली है जैसे आप देखिए रूस और अमेरिका लड़ते रहते थे और विश्व वर्ल्ड वार सेकंड में एक साथ हुए। दूसरा आप देखिए कि अगर उनकी ब्याज दरें बढ़ती हैं तो सबसे बड़ा उनको फायदा और हमको नुकसान क्या होगा। जब वहां एक टाइम आया कि 2% से नीचे ब्याज दरें हो गई जमा की, तो जितना NRI था वो सब भारत में निवेश करने लगा, भारत में जमा करने लगा, क्योंकि यहां उन्हें 8.5% ब्याज दिया जाता था। तो लोग उनको बड़ा देशभक्ति की निगाह से देखते हैं, देशभक्ति नहीं थी ये, वहां 2% मिल रहा था और यहां उन्हें 8.5% मिल रहा। तो अब आप देखिए जैसे ब्याज दरें बढ़ेंगी तो जमाव पर भी बढ़ेंगी ना, तो जो निवेश या इस तरह की जो जमाएं भारत की तरफ आ रही थी वो जमाएं भारत की तरफ आना बंद हो जाएंगी, और चूंकि वो किसमें आ रही हैं, डॉलर में, और डॉलर जब एक्सेस होगा तो क्या होगा, डॉलर का दाम कम होगा और रुपए का दाम बढ़ेगा या रुपए की साख मजबूत होगी। तो जस्ट उल्टा कर लीजिए, यानी जैसे डॉलर आना कम होगा डॉलर नीचे आ जाएगा, इसका मतलब है कि रुपए की साख जो है
उसके अनुपात में कमजोर हो जाएगी। तीसरी चीज आप देखिए कि जब यहां ब्याज दरें बढ़ेंगी तो इसका मतलब है कर्ज भी महंगे होंगे। अब आप समझिए कि अगर भारत की इकोनॉमी का ग्रोथ रेट 7% या 6.5% जो भी है, और अगर वो 4-4.5% भी कर ले गए, क्योंकि अगर 2% आपका ब्याज दर था या 1.5%, तो यहां आकर के वो लगाते थे और 7.5% उनका ग्रोथ रेट है इंडियन इकोनॉमी का, तो ये तो मान ही रहे हैं कि 5% वो फायदे में रहेंगे या 5.5%। लेकिन अगर हमारा ग्रोथ रेट गिरता है और उनकी ब्याज दरें बढ़ती हैं, तो इसका मतलब कोई भी वहां का व्यक्ति कर्ज लेकर के अमेरिकी बैंकों से वो भारत में आकर के निवेश नहीं करेगा। ठीक है ना, तो हम लोग इतना रखते हैं, जितना आज पढ़ाया इसमें से कल 10 सवाल पूछेंगे। ठीक, थैंक यू।